हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग लाइफ विद मी। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह का ही टाइम है, लगभग 8:30 बज रहे हैं और आज मैं भी देर से ही सो के उठी थी और 7 बजे के आसपास, क्योंकि आज देवर्ष के स्कूल में PTM है और यहाँ पर मैं नहा के बस तैयार हो गई हूँ और मैंने चाय ही बस पिया है और कुछ भी नहीं। मैंने कहा लौट के आके फिर नाश्ता वगैरह या खाना वगैरह जो भी कुछ बनाएंगे लौट के आके बनाएंगे तो लेट हो जाएंगे। नहीं, 8:30 का तो टाइम ही दिया गया था, बट मुझे 8:30 यहीं पर ये भी हो गया है। 8:30 से 11 बजे तक की टाइमिंग थी। तो देवर्ष को भी देर से आज सो के उठे, रोज़ तो जल्दी उठ जाते थे क्योंकि 6:30 उठ जाते थे, इनकी वैन ही आ जाती है 7:30 बजे। तो लेकिन आज मैं भी थोड़ा आराम से उठी और इनको मैंने सोचा सो रहे हैं सोने देती हूँ, देर से उठाती हूँ, इसीलिए इनका फेस भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा है। और इन्होंने नहाया नहीं है, नहलाया नहीं, बस मैंने ऐसे हाथ मुंह धुलवा के ब्रश करा के हाथ मुंह धुलवा दिया था। मैंने बोली लौट के नहाऊंगा मम्मी, मैंने कहा लौट के पानी गर्म कर देंगे तब नहाना आराम से। तो बस ये रेडी हो रहे थे, इनको रेडी कर रही थी और PTM में दरअसल जाना ज़रूरी है और यूनिट टेस्ट भी हुए थे, उसके मार्क्स वगैरह कभी। और PTM में जब जाते हैं हम तो बच्चों का इवोल्यूशन और सारी चीज़ें, क्लास में परफॉर्मेंस और सभी चीज़ें पता चलती हैं और टीचर्स से भी हम अच्छे से बात कर पाते हैं, क्योंकि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मतलब टीचर्स के पास भी टाइम है पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स तो गए ही हैं इसलिए। और अदर डेज़ में जब जाइए तो टीचर्स भी बिज़ी रहते हैं और कहीं उन्हें क्लास लेना रहता है कहीं कुछ, तो बच्चे के बारे में उतना अच्छे से बातें नहीं हो पाती हैं, डीपली एनालिसिस और क्या परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में क्या, या उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, या हम भी कुछ शेयर करना चाहें कि हाँ हमारा बच्चा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो लास्ट मंथ में भी PTM थी, उसमें भी मैं नहीं जा पाई थी हेल्थ इश्यूज़ के कारण और मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, तो और आज भी वो नहीं है, नहीं तो वो चले जाते, मैं ना जाती। और फिर अगर ना जाओ तो बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि क्लास में उनके टीचर फिर नेक्स्ट डे खड़ा करके पूछते हैं तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए, स्कूल से भी फ़ोन आता है। तो यही सब चीज़ें थी, मैंने हेल्थ इशू तो है मुझे, बट फिर भी मैं जा रही हूँ, मैंने कहा नहीं चले जाती हूँ जैसे तैसे। तो मैंने अपने पड़ोसी को रिक्वेस्ट किया भाई मेरे लिए चलिएगा, तो मैं जाऊँगी और प्लीज़ मेरे साथ चले चलिए। तो लास्ट मंथ में मैं नहीं जा पाई थी और मदर्स डे का सेलिब्रेशन था उसमें भी नहीं जा पाई थी। तो यहाँ पर ना मैंने देवर्ष को कंघा लेने के लिए भेजा हुआ था, मैंने कहा कॉम्ब ले आओ, मॉइस्चराइज़र ले आओ, तो ये उठा के नहीं ला पा रहे थे, तो वही मैं फिर खुद गई तब मैं लेके आई हूँ, ढूंढ नहीं पा रहे थे दरअसल, क्या थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहे थे, ये ड्रेस दूसरी पहनना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं यही पहनो, अभी सुबह ठंडा मौसम है तो हुडी पहन लो, वुलन में ही पहनो, पहनना नहीं चाह रहे थे इसलिए मुंह बना रहे थे। कई बार बच्चे ज़िद्द करने लगते हैं लेकिन अब उन अपने हिसाब से ही चलना होता है, क्योंकि जरा से में तो प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दियाँ स्टार्टिंग हैं और अब सुबह तो अच्छी से सर्दी रहती है। तो बस इनके वही मैं हेयर कॉम कर रही थी और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे वही PTM के लिए और मिलके आती हूँ टीचर से। हाँ, मेरी बात अधूरी रह गई थी, लास्ट मंथ में जब मदर्स डे सेलिब्रेशन था उसमें भी मैं नहीं जा पाई थी, तो ये लौट के आए स्कूल से बहुत रोए और मतलब बहुत ज़्यादा रोए मेरे से, मम्मा आप आई क्यों नहीं, आप आई क्यों नहीं। तो मैंने इसलिए मैंने कहा चलो आज तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो फिर लौट के जब आए थे फ्रेंड्स तो मैंने बस दाल चावल बनाया था क्योंकि 11:30 बज गया था और बहुत टाइम हो गया था, हम बहुत थक गए थे, तो बस दाल चावल बनाया खाया और जल्दी से फिर मैं भी रेस्ट करने लगी थी, लेट गई थी। इस समय सर्दियां हैं तो कंबल तो बिल्कुल हटता ही नहीं है बिस्तर से, क्योंकि जब भी बैठी है तो कंबल ओढ़ने का ही मन करता है, तो बस ये कंबल पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पर देवर्ष भी चेंज करके आ गए थे और पढ़ने लगे थे अपना, आज खुश थे थोड़ा, इनको अप्रिशिएशन मिला था स्कूल में इनकी टीचर से, तारीफ़ की, नहीं अच्छा कर रहे हैं, शांत रहते हैं क्लास में और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बड़े खुश थे ये भी और बोले नहीं मैं और मेहनत करूँगा, इनकी मैडम ने बोला और मेहनत करो तो और अच्छा कर लोगे। उसके बाद फिर ये मेरा शाम के समय लगभग वही 3 बजे के आसपास आज पकौड़ी खाने का मन हुआ, तो मैंने कहा चलो पकौड़ी बनाती हूँ। देवर्ष तो अभी सो गए थे, फिर से सो गए थे, तो मैंने कहा चलो उनको बाद में जगाऊंगी, मैंने थोड़ा सा ही बेसन लिया हुआ है, आप सोचोगे थोड़ा सा, दरअसल हम दो ही लोग हैं तो थोड़ी सी पकौड़ी बनानी है। तो ये गोभी भी रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने गोभी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, आप लोग बनाते हो ऐसे ही, और बेसन में बस वही ऐड किया है, धनिया मिर्ची और नमक हींग पाउडर, वही सारी चीज़ें ऐड करके बस उसी में गोभी को बेसन में लपेट के और कढ़ाई में बस डालना है। तो मैं बस पकौड़ी बन रही हैं,
और दूसरी साइड मैंने चाय भी रख दिया है। फिर मैंने सोचा अभी रिवर सो गए थे फिर से और आज खूब सोए हैं, सुबह भी 8 बजे तक सो रहे थे और अभी भी 1 बजे सो गए थे तो अभी भी सोए हुए हैं। बस ये चाय पकौड़ी मेरी बन गई है, अब इनको मैं जगाती हूँ तो खाएंगे, फिर थोड़ी बहुत देर बैठेंगे। कि हमने चाय पी ली है और देवर शी बेटा रखो सिंक में, रखो बर्तन। और ये बैग ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? ये तो गलती से पड़ी है। अरे बाप रे, बड़ा बेकार लड़का है। तो जाओ रखो, पहले ये रखियो, कब बाद में नहीं कब टूट जाएंगे। जाओ हाँ कल खेल लेना। जाओ तो यहाँ पर देवर्ष कप वगैरह रखाए थे और बहुत अफसोस हो रहा था उनको कि वो आज सोते रह गए और खेलने को उनको नहीं मिला। 4:30 बजे फिर लेट गए हैं, बोल रहे हैं मम्मा मैं फिर सोऊंगा भी। अब फिर उठ के बैठ गए हैं, बातें कर रहे हैं, मैं मेरे को जगाया क्यों नहीं, मैं सोता ही रह गया, अब मैं अच्छा कल खेलूंगा। तो बस यही सब बातें चीते हैं हम, मैं भी बैठी हुई हूँ उनकी बातों के सवालों के जवाब दे रही हूँ, समझा रही हूँ चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट डे खेल लेना, अब शाम हो गई है, 5 बज गया, अब खेलने का टाइम नहीं है। तो बस अब फिर से ये अपना वही कॉपी डायरी, क्या लर्न करने को मिला क्या नहीं है। और इस समय बच्चों को बड़ा क्लास 1 में है ही, लेकिन काफ़ी सारे कोर्स रहता है, EVS और कंप्यूटर, GK, व्हाटएवर। हम लोग जब छोटे थे तो बस इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बस 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे क्लास 3 तक। लेकिन अभी आजकल तो बच्चों को क्लास 1 से ही सारे सब्जेक्ट, बहुत सारा कोर्स रहता है, प्रेशर रहता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं, फ़र्क वगैरह देख रहे हैं। अब मैं भी इनको थोड़ा सा बहुत बताऊंगी क्योंकि लर्न करने को मिला है, वैसे तो कल संडे है। तो बस यही मेरी लाइफ चल रही है। और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग? अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो मेरे व्लॉग में। और फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।